हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है धरती का सबसे डीपेस्ट पॉइंट मारियंस ट्रेंच है, जो कि लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। मान लो कि इंसान उस जगह पर जाकर कुछ छेड़छाड़ कर देता है और एक बड़ा सा पोर्टल बन जाता है, जिसके अंदर समुद्र का पानी जाने लगे और दुनिया का सारा पानी उस पोर्टल के अंदर चला गया। तब आपको पता है क्या होगा, ये जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आप जानते हो पूरे धरती पर इतना लीटर पानी है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। जैसे ही धरती के सारे समुद्रों का पानी खत्म होगा या कम होने लगेगा, वैसे ही सारे शिप्स जो समुद्र में है उन सबका रुख ही बदल जाएगा और वो अचानक से नीचे रेगिस्तान जैसी जगह पर गिर जाएंगे, क्योंकि सारा पानी सूख चुका होगा, जा चुका होगा और समुद्र के सारे जीव जैसे मछलियाँ, सांप, कछुए, बाकी सभी जीव अचानक से ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे और सारा इकोसिस्टम बिखर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। समुद्र बिल्कुल रेगिस्तान की तरह दिखने लगेगा। सब कुछ ओशियन फ्लोर यानी समुद्री पैंदे में गिर जाएगा, चाहे वो कोई लिविंग बीइंग हो या कोई शिप हो। बट जो रियल खतरा है वो अब शुरू होगा। समुद्र जो है पूरे धरती के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, धरती को कूल रखता है, सन के गर्माहट को भी एब्जॉर्ब करता है। तो अगर सारे समुद्र का पानी गायब हो जाए तो धरती पर अचानक से बहुत गर्मी बढ़ जाएगी, ग्लोबल टेम्परेचर बहुत मात्रा में बढ़ जाएगा, क्योंकि पूरा धरती रेगिस्तान में बदल चुका होगा। इसलिए जो वाटर साइकिल होगा वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा और ऊपर से सारे बादल जो भी है वो गायब होने लगेंगे, क्योंकि पानी का इवोपरेट यानी वाष्पीकरण होगा ही नहीं और इसी के चलते बारिश होगी ही नहीं। धरती का 97% वाटर जो है वो सूख चुका होगा और जो 3% तालाब और नदियों में है वो वाटर साइकिल को सस्टेन या मेंटेन करने के लिए काफ़ी नहीं होगा। बारिश नहीं होने के चलते पूरा धरती सूख जाएगा और ना कोई अनाज उग पाएगा और ना कोई काम हो पाएगा और सारे लोग भूख से मरने लगेंगे। सिर्फ कुछ दिनों के अंदर ही सभी जानवर, पेड़ पौधे और इंसान डिहाइड्रेशन से मरने लगेंगे पानी की कमी के चलते, और सारे जंगल सूख जाएंगे और गर्मी इतनी बढ़ेगी कि धरती पर किसी प्रकार का लाइफ सस्टेन कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो सूरज की लाइट है वो इतनी बढ़ चुकी होगी कि वह धरती के सभी लिविंग बींग्स को एक्सट्रीम लेवल पर डिहाइड्रेट करने लगेगी। समुद्र है तभी वाटर साइकिल है और वाटर साइकिल है तभी लाइफ है। तो दोस्त, इसी तरह की अमेजिंग फैक्ट्स और इंसिडेंट्स के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना। धन्यवाद।